प्यारे बच्चों, आठवीं कक्षा के गणित के दूसरे चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के आठवें लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 2.3 के में दिए गए समीकरणों को हल करना सीख लिया था। इन समीकरणों की खास बात ये थी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या थे, चर थे। तो देखिए कि जैसे हम 2.1 प्रश्नावली में भी समीकरण हल करके आए हैं और इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही आसान से क्वेश्चन थे। पर आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इन समीकरणों का दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग होता है, तो उसी से जुड़े हुए कुछ उदाहरण हमारे बुक में दिए हुए हैं और कुछ सवाल भी प्रश्नावली 2.4 में दिए हुए हैं। तो उन उदाहरणों को और उन सवालों को आज के लेक्चर में हम हल करेंगे। अब देखिए कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कोई दो अंकों की संख्या है तो उसको बीजगणित के रूप में हम कैसे लिखेंगे, अलजबरा के रूप में हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हमें ये सीखना होगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। अगर ये चीज हम पहले सीख लेते हैं तो वो क्वेश्चन समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो देखिए कि पहले तो हम एक अंक, कोई भी एक दो अंकों की संख्या ले लेते हैं, कि जैसे मैंने 52 एक संख्या ले ली, अपनी मर्जी से कोई भी संख्या ले ली। तो 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे इसमें ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। दहाई के अंक में आपको पता है कि 10 की वेटेज होती है, तो 10 × 5 = 50 + 2 = 52 ऐसे होता है। 10 × 5 + 2 ऐसे लिखा जाता है। इसी तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे मान लिया मैंने 98 ले ली। 98 को मैं क्या लिखूंगा, 10 × 2 = 1 ठीक। अब अगर इस संख्या के अंकों का स्थान बदल दें, अंकों का स्थान बदलने पर संख्या, अंकों का स्थान बदलेंगे तो देखिए इकाई और दहाई के जो अंक आपस में स्थान बदल लेंगे, कि दहाई वाला इकाई पे चला जाएगा, इकाई वाला दहाई पे चला जाएगा। उल्टा कर दो इसको, ये अंकों का स्थान बदल गया। अब अंकों का स्थान बदलने पर संख्या क्या बनेगी, 2 × 10 + 5। इसमें भी अगर अंकों का स्थान बदलेंगे तो क्या होगा, 89, 8 × 10 + 9। ये तो थी हमारे सिंपल अंक गणित की संख्याएं, जिसको आप इस तरह से प्रसारित संकेतन में लिखते हैं। अगर हमारे पास मान लिया कि कोई बीजगणित के रूप में कोई संख्या दे रखी है और उसका इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है y, तो उस संख्या को हम क्या लिखेंगे, 10 × दहाई का अंक + इकाई का अंक ठीक। और इसी संख्या के अंकों का स्थान अगर हम बदल दें तो इकाई और दहाई, देखिए अंकों का स्थान बदल दो, ये x और ये y, अब क्या बन गया, अब अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या बनी वो होगी 10x + y। इस तरह से हम बीजगणित के रूप में भी किसी संख्या को जब हम लिखते हैं तो 10 × दहाई का अंक + इकाई का अंक, 10 × दहाई का अंक + इकाई का अंक। अगर अंकों का स्थान पर बदलना पड़ जाए तो यहाँ पे पहले ऐसे इकाई दहाई लिख के बदल के फिर उसको देख के आप संख्या लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एक संख्या लिखने का तरीका बताया है, जिसको जस्ट मैं अभी जो आगे मैं उदाहरण समझा रहा हूँ उसमें प्रयोग करूंगा। अब यहाँ देखिए कि आपको उदाहरण नंबर 14 दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है, इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए इकाई का अंक और फिर दहाई का अंक। अब कहता है अंकों में 3 का अंतर है, तो इकाई का अंक अगर x माने तो दहाई का अंक इससे 3 फालतू मान लेते हैं, ताकि अंतर 3 का बना रहे। तो जो चीज हमने माननी है वो लिख लेते हैं, माना इकाई का अंक कितना माना हमने, x, तो दहाई का अंक x + 3। अगर आप x − 3 भी मानोगे तो भी सवाल हो जाएगा ये, क्योंकि 3 का अंतर रखना अपन दोनों में। अब संख्या क्या बनेगी इसकी, संख्या जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था बनाना,
कि दाएं के अंक को 10 से गुणा करो और उसमें इकाई का अंक जोड़ दो तो यह संख्या बन गई। ठीक, अब इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या, पहले तो संख्या प्राप्त करोगे अंकों को बदल के, अंकों को बदलेंगे तो इकाई दाई, दाई वाला x प्लस 3 इकाई पे चला जाएगा, इकाई वाला x जो वो दाई पर आ जाएगा। अब हम लिखेंगे कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त क्या संख्या होगी भाई? अब 10 को x के साथ गुणा प्लस इकाई का अंक कितना है, x प्लस 3, तो यह हो जाए 10 और 1 11, 11 x प्लस 3। ठीक, अब प्रश्न की कंडीशन लगा दो कि इस संख्या में, यानी इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या, यानी अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है कि 10 x प्लस 3 इसमें, यानी इस संख्या में ये वाली जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा आपको, 143 प्राप्त होगा। ठीक, अब यहां से आपको एक समीकरण मिल जाएगा, उसको हल कर लेना, 10 की x के साथ गुणा 10x प्लस 10 की 3 के साथ गुणा 30 प्लस x प्लस 11x प्लस 3 बराबर 143। ठीक, और अब देखिए कि या 10 और एक 11 और 11 22x प्लस 30 प्लस 3 33 बराबर 143, या 22x बराबर 143 माइनस 33, या x बराबर ये बचेगा 110 और 22 इधर गुणा में है तो ये यहाँ पर भाग में चला जाएगा। ठीक, 22 एकम 22, 22 पांच 110। अब देखिए 22 पांच 110 तो x बराबर 5, x बराबर 5 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5, तो दाई का अंक, दाई का अंक अपन कितना माना था, x प्लस 3, तो 5 प्लस 3 यानी 8, दाई का अंक 8 है, इकाई का अंक 5 है, तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी दाई के अंक को 10 से गुणा प्लस इकाई का अंक, यानी 10 8 80 प्लस 5 85 जो है हमारी संख्या बन जाएगी। अब हमने चेक करना है कि हमने जो सम किया वो ठीक है या गलत है, तो 85 और इसके अंकों का स्थान बदल दो 58, दोनों को टोटल कर दो, 5 8 13, 1 1 और 8 9 और 5 14, 143 आ गया, तो इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे उदाहरण नंबर 15 देखिए, कहता अर्जुन की आयु श्रीया की आयु की दुगनी है। एक बार फिर से, अर्जुन की आयु श्रीया की आयु की दुगनी है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रीया की आयु की तिगुनी थी, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये है अर्जुन, लो जी ये तो श्रीया बन गई, कोई बात नहीं, चलो इसको श्रीया ले लेते हैं। ठीक है, ये लो जी इसकी चोटी बना देते हैं। ठीक, ये श्रीया है और ये है अर्जुन। ठीक, ये अर्जुन है, ओके, अर्जुन। अब ये कहता है कि अर्जुन की आयु श्रीया की आयु की दुगनी है, यानी छोटी कौन है, श्रीया है, तो श्रीया की आयु को मैं एक्स मान लेता हूँ, अर्जुन की इससे दुगनी है तो ये 2x हो जाएगी। अब कहता है 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रीया की आयु की दुगनी थी, अब 5 साल पहले की बात करता है, ये तो वर्तमान की बात होगी, 5 साल पहले, ध्यान से देखो कि 5 साल पहले अर्जुन 5 साल छोटा था तो श्रीया भी 5 साल छोटी थी,
ठीक, 5 साल छोटे थे तो हमने 5 5 घटा दिए। अब 5 साल पहले ये कंडीशन लगाओ कि उसकी आयु यानी अर्जुन की आयु श्रीया की आयु की 3 गुणे थी, यानी श्रीया की आयु को 3 से गुणा करेंगे तब तो अर्जुन के बराबर पहुंच जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे माना श्रीया की आयु एक्स वर्ष और अर्जुन की आयु 2 x वर्ष, या वर्तमान आयु कह दो यहाँ पे। ठीक, अब 5 वर्ष पहले श्रीया की आयु, 5 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो इसमें से 5 घटा दो आज वाली एज में से, और 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु कितनी होगी, अर्जुन आज 2 x साल का, 5 साल पहले इससे 5 कम था। अब प्रश्नानुसार क्या है कि अर्जुन जो है 5 साल पहले इसकी आयु का 3 गुना था, यानी इसकी आयु को 3 से गुणा कर दें श्रीया की आयु को तो अर्जुन के बराबर हो जाएगी। तो 2x-5 = 3 की एक्स के साथ गुणा 3x-3 = 15। अब एक्स एक्स एक तरफ ले लो, यानी 2 x x वाले पद 2x-3x = -15, और ये 5 इधर जा करके प्लस के हो जाएंगे। 2x में से 3x घटेंगे क्या बचे x, माइनस के 15 प्लस के 5 तो -10। ठीक, और अब ये इस माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर आ गया 10। तो श्रीया की उम्र कितनी आ गई, 10 वर्ष, तो अर्जुन से दुगना है तो 10 × 20, इसलिए श्रीया की आयु कितनी है, 10 वर्ष। ठीक, और अर्जुन की आयु कितनी है, 2x यानी 2 × 10, 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक, अब इस पर कंडीशन लगा के देख लो कि ये तो आज है 10 साल की और ये आज 20 साल का, 5 साल पहले क्या था, ये बहन जी थी 5 साल की और ये था भाई साहब 15 साल का। तो देखो 5 × 3 = 15, 3 गुना था, कोई चक्कर नहीं है, हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.4 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और लगभग 2 लेक्चर में ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि जो 2 सम मैंने आपको करवाए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से आपने करना है, और संख्या कैसे बनानी है इस पे आपने ध्यान देना है, और आपका जब होमवर्क कंप्लीट हो जाए तो मुझे यस करके कमेंट करना है, और इस वीडियो में किसी भी वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर मैंने होमवर्क कर लिया है। प्यारे बच्चों 8वीं कक्षा के गणित के दूसरे चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के 9वें भाग में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस प्रश्नावली के क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक वर्ड स्टेटमेंट दे रखी है, कि शब्दों में एक स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके अनुसार हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है और उस समीकरण को हल करना है। जैसे हम समीकरण का हल करेंगे हमारी जो दी गई समस्या है, दी गई प्रॉब्लम है, उसका हल हो जाएगा। और समीकरण कैसे बनाना है, जैसे जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, एक बार पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद जो है किसी चीज को हम एक्स मान लेंगे और उसके बाद उसका समीकरण बना देंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। कहता अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए, और नॉर्मली जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है उसी को एक्स मान लेते हैं। तो माना सोची गई संख्या
सोची गई संख्या जो है वो क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। अब स्टेटमेंट को पढ़ते जाएं, जैसे जैसे स्टेटमेंट कहती है उसी तरह से आपका समीकरण बन जाएगा। सोची गई संख्या तो आपने ले ली एक्स, वह इसमें से यानी एक्स में से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है, कि एक्स में से 5/2 घटाकर ये पूरा परिणाम है, पूरे परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है यानी 8 से गुणा करने के बाद जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। सोची संख्या क्या थी एक्स, इसका 3 गुना क्या, 3। तो यहां देखिए कि सोची गई संख्या का 3 गुना क्या है, 3x, जो कि इसके बराबर है। सोची गई संख्या में 5/2 घटाने पर 8 से गुणा करने पर जो आती है संख्या उसके बराबर क्या है, 3x है। तो इस तरह से हमें समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो अब इसको हल कर लेंगे हम कि 8 की x के साथ गुणा, 8x माइनस 8 की 5/2 के साथ गुणा बराबर 3x, 2 × 2 = 8। यहां से देखिए कि 8x माइनस 4 × 5 = 20 बराबर 3x। अब 8x, ये 3x हम लेफ्ट में ले आएंगे क्योंकि सर हमने एक तरफ करने हैं, माइनस का 20 राइट में लेके जाएंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। और अब देखिए कि 8 में से 3 घटेंगे 5, तो 8x में से 3x घटे तो ये 5x बराबर 20। तो यहाँ से x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20/5, 5 × 5 = 5, 5 × 20, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। वो सोची की संख्या क्या थी, 4। तो वैसे तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, फिर भी एक बार समीकरण बनाना दोबारा सिखाता हूँ आपको कि संख्या में से 5/2 घटाकर, संख्या में से 5/2 घटाकर परिणाम को यानी पूरे परिणाम को 8 से गुणा करती है, तो अब जो परिणाम निकलता है वो सोची गई संख्या का 3 गुना है। ठीक, तो ये जो स्टेप है इसको ध्यान से करना आपने, उसके बाद तो आपको समीकरण हल करना आता ही है। ठीक है, तो इस स्टेप को आपने पूरा अच्छे से ध्यान करना है। इसके अलावा जो है मैंने ये इम्प्लाइज का निशान लगाया यहाँ, इसकी जगह पर आप यह भी लिख सकते हैं जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, कि दूसरी संख्या अगर x है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, उसकी 5 गुनी यानी 5x हो जाएगी। ठीक, पहले एक बार रफ में समझ लेते हैं उसके बाद हम करेंगे। अब कहता है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अब 5x में भी हम 21 जोड़ दें और x में भी 21 जोड़ दें, जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। अब ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समीकरण मिल जाता है। तो माना पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर क्या है, x, और दूसरी संख्या हो जाएगी 5x। ठीक, अब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, या फिर सीधा लिख दो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है कि दूसरी संख्या में 21 जोड़ा और पहली संख्या में भी 21 जोड़ा तो क्या हो गया, कि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी हो गई। तो यहां से आपका समीकरण तैयार हो जाएगा 5x + 21 = 2 के साथ गुणा 2x + 21 = 42। 5x एक्स एक्स वाले टर्म एक तरफ लेनी है, -2x =
जो पहले पढ़ा है उसको पहले लिखें, उसके बाद में ट्रांसफर करेंगे। ठीक, अब देखिए कि 5x में से 2x कटेंगे, 3x बराबर 42 माइनस 21, 21। तो x बराबर 21 बटे 3, 3 एकम 3, 3 सत 21, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 7। तो पहली संख्या आ गई, इसलिए पहली संख्या, ये तरफ काम हमारा ऊपर वाला, इसको तो हम कट कर देंगे। पहली संख्या आ गई 7, और दूसरी संख्या कितनी आ गई, 7 का 5 गुना, यानी 5x है तो 5 गुना 7 35 आ गई। ठीक, अब हमारा सवाल हमने चेक करना खुद बिना पीछे आंसर देखे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या में 21 जोड़ेंगे, 21 और 7 28 हो गई। 21 जोड़ने पर पहली संख्या कितनी होगी, 28, और इसमें 35 में 21 जोड़ेंगे तो 35 में 21 तरह जोड़ लेते हैं, 5 रिक्त 6 और 3 और 2 5, 56 हो गई। ठीक, अब 21 21 जोड़ा तो 28 दूनी 56, बिल्कुल सही है, दुगनी होगी। इसका मतलब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमारा सम बिल्कुल सही है। अब आगे तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि दो अंकों की संख्या में दो स्थान होते हैं, एक इकाई का स्थान और एक दहाई का स्थान। तो इकाई का स्थान पे जो संख्या है वो हम अंक जो है वो हम एक्स मान लेते हैं, और दहाई के स्थान पे जो अंक आएगा वो और एक्स दोनों मिलकर के 9 होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों का जोड़ 9 है, इनमें से एक तो एक्स हो गया तो दूसरा क्या बचेगा, 9 माइनस एक्स। ठीक, यानी इसको सोचने का तरीका ये देखिए कि मान लिया कि दो बच्चों के पास कुल 9 रुपए हैं, उनमें से हमें पता लग जाता है कि एक बच्चे के पास 4 रुपए हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे, 9 माइनस 4 ही होंगे। तो इसी तरह से अगर इन दोनों का जोड़, इकाई और दहाई के दोनों अंकों का जोड़ 9 है, इकाई वाला अगर हम एक्स ले लेते हैं, दहाई वाला 9 में से एक्स घट के बचेगा। तो अब जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, संख्या मैंने आपको पिछले लेक्चर में बनाना सिखाया था, अगर वहां नहीं देखा तो अब देखो। संख्या बनाने का तरीका होता है कि दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं और इकाई का अंक सीधा जोड़ते हैं। ठीक, तो ये संख्या बनी। एक तो हमने सीधी संख्या बनानी है, दूसरा जो है इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर एक और संख्या प्राप्त करनी है। अंकों का स्थान बदलेंगे तो इकाई और दहाई, इकाई की जगह पर आ जाएगी 9 माइनस एक्स और दहाई पे आ जाएगा एक्स, यानी ये इंटरचेंज करने हैं आपने। ठीक, इकाई का अंक दहाई पर, दहाई वाला इकाई पे। अब जो संख्या बनेगी वो बनेगी दहाई के अंक को 10 से गुणा, यानी 10x प्लस में इकाई का अंक। ठीक, इसको जब करेंगे 10 में से एक्स गया, 10x में से एक्स गया 9x प्लस 9, ये स्थान बदलने पर संख्या आ गई, स्थान बदलने पर संख्या। अब ये कहता है कि जो स्थान बदलने पर जो संख्या है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, यानी 9x प्लस 9 जो है इस संख्या से, यानी 10 गुणा में 9 माइनस एक्स प्लस एक्स से 27 अधिक है, यानी ये वाले का मतलब इधर 27 जोड़ेंगे तभी ये बराबर पहुंचेगा। तो यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त होगा, उस समीकरण को हम हल करेंगे। तो पहले जो हमने यहाँ पर समझा उसको लिख लेते हैं साफ साफ, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना इकाई का अंक क्या मानते हैं, एक्स, इसलिए दहाई का अंक 9 माइनस एक्स, तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, दहाई के अंक को हमने 10 से गुणा करी और इकाई का अंक इसमें जोड़ दिया, तो
यह संख्या हमें मिल गई। अब अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 × 2 का अंक प्लस में इकाई का अंक, तो आ जाएगा 10 में से 1 अक्ष गए 9 अक्ष प्लस 9। ठीक, अब प्रश्न की कंडीशन लगा दो। प्रश्नानुसार क्या है कि ये जो नई संख्या हमें प्राप्त हुई है ये पहले वाली संख्या से 27 अधिक है, यानी पहले वाली संख्या कम है तो इसमें 27 जोड़ दो, इसके बराबर हो जाएगी। ठीक, तो ये जो इधर हमने रफ काम समझा था इसको हमने साफ साफ फेयर काम में लिख दिया है। तो अब आगे देखिए कि 9 + 9 x + 9 बराबर 10 की 9 से गुणा 90 माइनस 10 के x के साथ गुणा 10 x + x + 27। ठीक, या 9 x + 9 बराबर ये हो जाएंगे -10 और +1x, -10x और +1x का तो -9x + 90 + 27। अब हम ऐसा करते हैं, x x एक तरफ कर लेते हैं, 9x इधर ये पहले से पड़ा है और ये माइनस का 9x इधर आकर के प्लस का 9x हो जाएगा बराबर 90 + 27, और ये 9 इधर जाकर के घट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 9 + 9 18x, और इधर क्या बचेगा आपका 90 + 27। तो यहाँ पर हम करेंगे 90 + 27 7 9 2 11 117, 117 में से हम 9 घटा लेते हैं, 17 में से 9 गए 8 और 108 बचेंगे, तो ये हो गया 108। तो यहाँ से x बराबर 108 बटे में 18। ठीक, अब ये 18 × 18 = 108, तो x बराबर आ गया 6। x बराबर 6 आ गया, तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ी जगह का मैं ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। x बराबर 6 आ गया तो इकाई का अंक 6 आ गया, इसलिए इकाई का अंक बराबर 6, और दहाई का अंक, दहाई का अंक हो जाएगा 9 - 6 कितना 3। ठीक, तो यहां पर संख्या क्या बनेगी, संख्या बन जाएगी दहाई का अंक पहले लिखेंगे और फिर इकाई का अंक, संख्या होगी 36। ठीक, अब इसको आप खुद ने चेक करना है, तो 36 का अंकों का स्थान बदलो क्या आ जाएगा 63, 63 और 36 का अंतर देखो 27 आता है क्या, 13 में 6 गए 7 है और 5 में से 3 गए तो 27 आता है, बिल्कुल सही सम हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ये जो 3 लाइन मैंने ऊपर लिखी सम के नीचे लिखनी है यहाँ पर एक्स इसके नीचे। ठीक है, अब आगे चौथा क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे से 3 गुना है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। कि पिछले क्वेश्चन की तरह से ही है यहाँ पर, कि हम इकाई का स्थान जो है और दहाई का स्थान, यानी 2 अंकों की संख्या तो 2 स्थान लेते हैं, और यहाँ कहता है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे से 3 गुना है। एक अंक अगर हम एक्स मानते हैं तो दूसरा अंक इससे 3 × 3 x मानेंगे, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। अब यहां से तो जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या होगी, दहाई के अंक को 10 से गुणा करो और इकाई का अंक उसमें जोड़ दो, तो 10 * 3 = 30 x + x,
31 अंक हो गया। ठीक, अब अगर आप अंकों का स्थान बदल दोगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी भाई? अंकों का स्थान बदल दोगे तो इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह पर इकाई, इकाई और दहाई, तो ये 3x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 10x प्लस 3x, क्योंकि दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं प्लस में इकाई का अंक, तो 10x प्लस 3x क्या हो जाएगी, 13x। ठीक, अब प्रश्न ये कहता है कि अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, यानी इस संख्या को दी गई संख्या में, यानी इस संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, यानी इन दोनों का प्लस बराबर 88 हमारे पास समीकरण आ जाएगा और वहां से हम इसको हल कर देंगे। तो आइए देख लिखते हैं, जो हमने समझा उसी के अनुसार लिख देते हैं कि माना इकाई का अंक, इकाई का अंक x हो गया, इसलिए दहाई का अंक 3x हो जाएगा। 3x क्यों, क्योंकि एक अंक दूसरे का 3 गुना है, एक अंक x है तो दूसरे इसका 3 गुना 3x हो जाएगा। इसलिए संख्या क्या होगी, संख्या होगी 10 गुणा में 3x प्लस में x, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, दस तीय 30x प्लस में x, 30 और एक 31x, ये संख्या प्राप्त होगी आपको। अब अंकों का स्थान बदलने पर संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, स्थान अंकों का स्थान बदलने पर संख्या क्या प्राप्त होगी, 10x प्लस 3x, यानी 10 और 3 13x। ठीक, अब प्रश्न की कंडीशन लगा दीजिए इसमें, प्रश्नानुसार क्या है कि 31x प्लस 13x इन दोनों का योग है 88, तो योग है 3 और 1 4, 1 और 3 4 44x बराबर 88, तो x बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 88 बटे 44, यानी यहाँ से आपके पास एक्स बराबर आ जाएगा 2। एक्स बराबर 2 आ जाएगा तो इकाई का अंक क्या बनेगा, इसलिए इकाई का अंक बनेगा 2, दहाई का अंक 2 से 3 गुना होगा तो 6, और संख्या होगी दहाई का अंक पहले लिखा जाए इकाई का अंक बाद में, तो संख्या हो जाएगी 62। ठीक, अब अपना आंसर चेक करना हो तो ये हमारा रकम इधर कर लेते हैं, 62, 62 का उल्टा 26, 6 और 2 8, 6 और 2 8 88 याद हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ते हुए समीकरण बनाने हैं। ये संख्याओं वाले 3 सम हैं, एक तो एग्जाम्पल में मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था, एक तीसरा और एक चौथा क्वेश्चन है, तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, उसकी आयु उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये तो है सोबो, ठीक है, और ये है सोबो की माँ, ठीक। अब कहता है कि, अब ये कहता है कि सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, यानी छोटी सोबो होगी तो सोबो आयु हम x वर्ष मान लेते हैं, और इसकी माँ की आयु इससे 6 गुणी यानी 6x वर्ष हो जाएगी। ठीक, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद की बात अगर हम करें तो 5 वर्ष बाद में सोबो बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी तो 5 इसमें 5 वर्ष इसमें प्लस हो जाएंगी, माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। यहां ध्यान रखना कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की
वर्तमान आयु तो 6x ही है कि एक तिहाई हो जाएगी। ठीक, तो यहां से ये समीकरण हमारा बन जाएगा। कई बार क्या कह देता है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की, अगर वर्तमान नहीं लिखता तो हम 6x+5 करके उसके बटे में 3 करते, लेकिन इसने अब कहा वर्तमान आयु की एक तिहाई हो जाएगी, तो अब ये समीकरण बनेगा। तो इस समीकरण को हम हल कर लेंगे कि x+5 = 6x/3, 3 × 3 = 6, या x+5 = 2x, या x-2x = ये 5 इधर ले जाइए, या -x = -5, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा x = 5। तो शोभो की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष, और इसकी माँ की 5 से 30 वर्ष। तो यहाँ पर शोभो की आयु 5 वर्ष और माता की आयु ऐसे 6 × 30 वर्ष। ठीक, अब अगर 5 वर्ष बाद की बात करें तो 5 साल बाद में शोभा हो जाएगी 10 साल की, और तो इसकी माँ की एक तिहाई होगी, क्योंकि 30 का 1/3 10 ही तो होता है, तो हमारा सम बिल्कुल सही है। अब स्टार्टिंग में लिखते हैं कि माना शोभा की आयु बराबर एक्स वर्ष, एक्स ही माननी थी ना, इसलिए माता की आयु 6x वर्ष। ठीक, अब प्रश्नानुसार ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, और आज आपका होमवर्क यही है कि इस प्रश्नावली के जो मैंने 5 सम करवाए हैं, इनको आपने साफ साफ अच्छी तरह से अपने फेयर नोटबुक पे करना है, रफ नोटबुक पे भी एक बार करके देख लो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छे बढ़िया क्वेश्चन है ये, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के 6 से लास्ट तक सभी प्रश्न हल कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।